हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू MET माय एग्ज़ाम ट्यूटोरियल। दोस्तों, MPPSC ने अभी हाल ही में तीन नोटिफिकेशन जारी किए, जो कि दो नोटिफिकेशन आपके मेडिकल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए है और एक इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए है। और आपका जो तीसरा नोटिफिकेशन है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है, इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न भी MPPSC की नोटिफिकेशन में दिया गया है। और उसमें क्या सिलेबस आएगा, क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के क्वेश्चंस थे MPPSC के द्वारा जो आयोजित किए गए थे। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की परीक्षा थी इसके पहले 2018 में हुई थी। तो 2018 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो थोड़ा अलग था। वहाँ पर 100-100 मार्क्स के दो क्वेश्चन पेपर होते थे, यानी कि 200 नंबर का होता था। लेकिन अभी जो पैटर्न है वह चेंज हो गया है। आप लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न जब आप देखेंगे तो उसमें पता ही चलेगा, अभी 450 नंबर का आपका रिटेन और प्लस 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया, यानी टोटल 500 मार्क्स का हो गया है। तो जो हमारे पिछले क्वेश्चंस थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उनको देखकर हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्या पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो पेपर थे, तो उसमें 100-100 क्वेश्चन थे। उसको हम चार पार्ट में, यानी कि 50-50 क्वेश्चंस करके करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला है प्रश्न पत्र का। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और यह है 14 सितंबर 2018 का विज्ञापन था, नोटिफिकेशन था। और इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें आपका क्वेश्चन के साथ साथ आपके आंसर भी दिए गए हैं। और यह जो प्रश्न पत्र था एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हमारे हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी छोटे वर्ड्स लिखे गए हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और फिर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियरली दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही छोटे लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें गद्यांश दिया गया है निराशा, कुंठा और प्रवंचना की जननी है, यानी कि जो निराशा है वो कुंठा और प्रवंचना की जननी है। इसका अंतिम रूप पलायन है। यह कभी भी मानव और पशुओं को अपना नहीं बना सकती, इसे लघुता और क्षुद्रता का जन्म होता है। व्यक्ति ग्रंथि युक्त बन जाता है, जबकि आशा मनुष्य को मुक्त बनाती है। आशावान के मुखमंडल पर सौम्यता विराजती है। निराशावादी चेहरा चिंता से घिरा रहता है, वह सीमित तथा तंग दायरे में चक्कर काटता है। तो यहाँ फिर आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश के बाद, क्या मानवता के विकास का रोड़ा निराशा है, यानी कि जो मानवता का विकास है उसमें जो निराशा शब्द है क्या वह रोड़ा बनती है। तो आपके ऑप्शंस हैं नकारात्मक प्रवृत्ति ऊर्जा तेज का लोप करती है, नकारात्मक से पुरुषार्थ समाप्त होता है, नकारात्मकता मानव स्वभाव है, या मानव स्वभाव को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। यह जो आपका प्रश्न है यह आपके जो सिलेबस दिया गया है उसमें यूनिट 10 से संबंधित है कि किस तरह से आपके गद्यांश आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है राइट आंसर, नकारात्मकता से पुरुषार्थ समाप्त होता है। अगला प्रश्न है निराशा, कुंठा और प्रवंचना की जननी है, यानी कि आपका जो गद्यांश है वही दिया गया है पैसेज। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है श्रेष्ठ जीवन के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। व्यक्ति को उद्यमी होना चाहिए, व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए, व्यक्ति को परजीवी नहीं होना चाहिए, या व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। तो यदि व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन जीना है या व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन के लिए क्या करना होगा, तो इनके अनुसार जो उत्तर दिया गया है वह है व्यक्ति को उद्यमी होना चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न है आपका जो पैसेज दिया गया है, पैसेज वही है निराशा, कुंठा और प्रवंचना की जननी है। इसका अंतिम रूप
पलायन है, यह कभी भी मानव और पशुओं को अपना नहीं बना सकती। इसमें लघुता और शुद्रता का जन्म होता है, व्यक्ति ग्रंथि युक्त बन जाता है, जबकि आशा मनुष्य को मुक्त बनाती है। आशावान के मुखमंडल पर सौम्यता विराजती है, निराशावादी चेहरा चिंता से घिरा रहता है, वह सीमित तथा तंग दायरे में चक्कर काटता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वह है, मनुष्य के उच्चतर विकास में स्वयं की चिंतन शक्ति कौन सी भूमिका निभाती है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, मनुष्य अपने विचारों का दास होता है, मनुष्य का विवेक ही उसे मार्ग सुझाता है, मनुष्य की उपयोगिता समाज सापेक्ष में है, या मनुष्य को निष्ठा का शिकार नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य को निष्ठा का शिकार नहीं बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक आपको जो गद्यांश दिए गए हैं इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि आपको एक इनडायरेक्टली जो पैसेज दिया गया है उसमें से उसके अर्थ के रूप में यहाँ पर इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं कि इसको पढ़कर आपकी क्या समझ आती है इसके अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, समाज में सम्मान पाने हेतु मनुष्य की आचरणशीलता की क्या भूमिका है? आपके ऑप्शंस है, मनुष्य का आचरण ही पूज्य है ना कि जन्म क्षेत्र, मनुष्य अपनी करनी से देवता बन सकता है, मनुष्य अपने विचारों से सभ्यता के उत्थान में अग्रणी रह सकता है, या मनुष्य के संस्कार ही आगामी पीढ़ी का बीज बपन करते हैं। तो यहाँ पर जो समाज में सम्मान पाने हेतु मनुष्य की आचरणशीलता होती है वह कहा गया है कि मनुष्य का आचरण ही पूज्य होता है ना कि उसका जन्म क्षेत्र। आपने कई सारे महापुरुषों को भी देखा होगा कि वो बहुत से पिछड़े इलाकों में भी जन्म लिए हैं लेकिन आज जो उनका आचरण ही पूजनीय है। अगला प्रश्न है, मानव विकास में परिवेश की क्या भूमिका होती है? यानी कि कई सारे लोग कहते हैं कि जो माहौल ज़रूरी है, माहौल ज़रूरी है किसी चीज़ में, बिल्कुल माहौल ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो परिवेश होता है उसकी क्या भूमिका होती है। तो मनुष्य जन्म से भला बुरा नहीं होता, या परिवेश से ही मनुष्य के संस्कार विचार प्रभावित होते हैं। परिवेश से कटा मनुष्य मुख्य धारा से अलग रहता है, भौतिक जगत में परिवेश का बड़ा महत्व है। अब यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवेश से ही मनुष्य के संस्कार विचार प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे परिवेश कहा गया है तो यहाँ पर संस्कारों या विचारों की बात कही गई है। तो आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जिस घर में जिस हिसाब से माहौल रहता है, जिस हिसाब का वहाँ पर परिवेश रहता है, या जिस घर के या जिस क्षेत्र के व्यक्ति जिस तरह का आचरण व्यवहार करते हैं, वहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं उसी तरह का आचरण व्यवहार अपने अंदर उतारते हैं, उसी तरह का आचरण व्यवहार सीखते हैं। तो यह प्रश्न पूछने का मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि आप एक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य पद पर रहेंगे, तो अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह का परिवेश आप रखना चाहेंगे, क्योंकि परिवेश का सीधा सीधा असर होता है किसी भी छात्र या किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति पर भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो परिवेश से ही मनुष्य के संस्कार और विचार प्रभावित होते हैं। ये आपका हिंदी का पैसेज था जो कि आपका यूनिट 10 से पूरा का पूरा संबंधित है। फिर हमारा अगला है इंग्लिश का पैसेज दिया गया है और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस उसी तरह से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, जो हमारा पैसेज है उसमें दिया गया है, द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटेबली प्लेड अ ग्रेट पार्ट एंड अ बेनिफिशेंट वन इन द ज्योग्राफिकल प्रोसेस बाई विच द सॉयल ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट। द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस कैन ऑल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सॉयल विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ द ऑल एग्रीकल्चर एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड कैन हैव द मोस्ट डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री। द प्रॉब्लम ऑफ सॉयल इरोजन इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज एंड स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया।
द कंडीशंस अंडर विच ईस्ट ऑकर्स एंड द मीजर्स वाई विच इट कैन बी चेक्ड एंड सॉरी आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी. सॉइल इरोजन ऑकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स द अर्लीस्ट ऑफ विच मे इजली पास अनोटिस्ड. इन द लेटर स्टेज द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुली अपेरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गुलेस एंड रेवेंस विच मेक्स ऑल द एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल. सडन बर्ड्स ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेंस रिजल्टिंग इन अ लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स कॉजिंग सॉयल इरोजन. Contributory causes are the slope of the land, removal of the natural protective coat of vegetation, the existence of roots along which the water can flow rapidly, gathering momentum and the absence of any check to such flow. Incredible large quantities of precious soil can be washed away if such conditions exist and is unhappily too often the case. The means which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one is many parts of India calling urgently for the land preventive action. The terracing of the land, the construction of burns to check the flow of water, the practice of contour cultivation and the planting of appropriate types of vegetation are amongst the measures that have been suggested. It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and correspondingly large destructive power. ये आपका पैसेज था. अब इस पैसेज में आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है द सॉयल इज फॉर्म्ड. सॉयल कैसे बनती है, द सॉयल इज फॉर्म्ड. तो आपको इसी में से आपको पूछना है द सॉयल हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट. यानी कि जो सॉयल होती है वो कहाँ से, वो रॉक्स के थ्रू फॉर्म होती है, यानी रॉक्स के द्वारा बनती है. अगला प्रश्न है द मेजर्स ऑफ लैंड प्रिवेंटिव एक्शन आर. यानी कि जो लैंड को प्रिवेंट करने के एक्शंस क्या क्या लिए जाने चाहिए. टेरेसिंग ऑफ द लैंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप टेरेसिंग ऑफ द लैंड. कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स यानी कि जो आप मेड़ बनाते हैं, और कंटोर कल्टिवेशन, यहाँ पर ये सीधे सीधे दिए गए हैं. तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव आपके क्वेश्चन हो जाएंगे. अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉयल इरोजन. सॉयल इरोजन या मृदा क्षरण का इनमें से कौन सा कारण नहीं है. बर्स्ट ऑफ हैवी रेन यानी कि भारी बारिश, स्लोप ऑफ लैंड ढलाव की वजह से, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हटाने से, या ट्रेसिंग ऑफ द लैंड. तो यहाँ पर अभी देखा था आपने कि जो ट्रेसिंग ऑफ लैंड है इसको आपने कहाँ पर सही करा है, इसको आपने सही करा है कि लैंड प्रिवेंशन में यह काम आता है. तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी. अगला प्रश्न है हाउ आर द गुलेस एंड रेवेंस फॉर्म्ड. आपके ऑप्शंस हैं बाय द हार्ड वर्किंग फार्मर्स, बाय वॉश्ड अवे सॉयल ड्यूरिंग हैवी रेन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, और ऑप्शन नंबर डी बाय चेकिंग टाइमली द फ्लो ऑफ वाटर. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपके हाउ आर द गुलेस एंड रेवेंस फॉर्म्ड, जो आपके गुलेंस और रेवेंस होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं. तो वाई वॉश्ड अवे सॉयल ड्यूरिंग हैवी रेन्स, जब हैवी रेन्स होती है उस टाइम पर वॉश्ड अवे सॉयल को हम बनाते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट हैज प्लेड अ बेनिफिशियल एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव रोल ऑन अर्थ. इनमें से कौन सा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है अर्थ पर, टोरेशनल रेंस, सॉयल इरोजन, फ्लो ऑफ वाटर, या कंटोर कल्टीवेशन. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द फ्लो ऑफ वाटर.
ये आपके हिंदी और इंग्लिश के पेजेस थे। अगला प्रश्न है आपका ई कॉमर्स इच। ई कॉमर्स क्या है, यानी कि इसमें आपका फुल फॉर्म पूछा गया है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, बहुत मतलब यदि एक एवरेज व्यक्ति भी इसको निकाल सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, अब आप लोगों को सवाल मन में सवाल ये आ रहा होगा कि इतने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एक एवरेज व्यक्ति कैसे निकाल पाता है। क्योंकि जो एवरेज पढ़ने वाले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग वगैरह में लग जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन सारे लोग करते नहीं हैं, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा भी, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी तरह से जॉब पर लग जाते हैं। और फिर जो जॉब पर लग जाते हैं उनको पढ़ाई करने को उतना मौका मिलता नहीं है। इसलिए जो भी एक यहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन है ई कॉमर्स इज ई कॉमर्स क्या है। तो यहाँ पर मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि पैसेज में ही काफ़ी टाइम चला गया है, जिससे कि ज़्यादा बड़े वीडियो ना बने। तो ई कॉमर्स क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे ई मेल है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, वैसे ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखे, टेली के गेटवे से कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू को शिफ्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू शिफ्ट कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू फ्रॉम गेटवे ऑफ टेली। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस आपका यहाँ राइट आंसर होगा Alt+F3, Alt+F3 को एक साथ हमें प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन है, टेली में लेज़र सृजित करते समय यदि हम नया ग्रुप सृजित करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तब किस की को दबाना होगा। नया, यहाँ पर क्या है, नया ग्रुप है, तो Ctrl+C कॉपी होता है, Alt+C, Alt+G, यहाँ पर Ctrl+G होगा, यानी कि हमें नया ग्रुप बनाना है। अगला क्वेश्चन है, टेली में लेजर सृजित करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। लेजर सृजित करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, गेटवे ऑफ टेली, मास्टर, अकाउंट्स, इन्फो, देन लेज़र, देन क्रिएट। तो यहाँ पर आप सृजित करने के लिए यानी क्रिएट करने के लिए ही पूछा गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं किसी में भी क्रिएट नहीं लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट कहीं ना कहीं एक जगह तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी एक बार भी क्रिएट नहीं आया है, सिर्फ पहले ऑप्शन में ही आपका क्रिएट आया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेली के साथ कार्य करने के लिए निम्न में से कौन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, गेटवे ऑफ टेली, गेटवे आउटवे ऑफ टेली, कंपनी इन्फॉर्मेशन, या इनमें से सभी। तो जो टेली के साथ कार्य करने के लिए जो आपका प्लेटफॉर्म होता है वह आता है टेली ऑफ गेटवे, टेली का गेटवे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण पेपर पर अंक जांचने में सक्षम होता है। दिस डिवाइस इज एबल टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन पेपर। आपका OMR पेपर होता है, तो उसके द्वारा जो आपका पेपर के अंक जांचे जाते हैं, OMR, ठीक है, OMR। अगला होता है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फील्ड स्कैनर है। फ्लैट वेट स्कैनर, ड्रम स्कैनर, कैम रिकॉर्डर, है इनमें से कोई नहीं। तो फील्ड स्कैनर, जो फील्ड स्कैनर है वह कौन है, आपका कैम रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कई टाइप होते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, या इनमें से सभी। तो जो नॉन इम्पैक्ट आपका प्रिंटर है वो इनमें से आएगा, इंक जेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थापक यंत्र नहीं है। स्थापक यंत्र आपके ऑप्शंस हैं, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉय स्टिक, या कीबोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकेटर डिवाइस, यानी कि लोकेटर कौन सा लोकेट करता है। यहाँ पर फाइनल आंसर की में कीबोर्ड दिया गया है, और लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है मैं सच बताऊँ तो इसमें, क्योंकि लोकेट किसी चीज़ को अगर हम लोकेट करते हैं तो आप जो, ओ हाँ ठीक, कीबोर्ड ही होगा, ओके राइट, कीबोर्ड। मुझे यहाँ पर माउस ध्यान में आ गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा कीबोर्ड, क्योंकि फाइनल आंसर की है तो राइट आंसर ही होगा।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग जो है वह इसका नोडल मंत्रालय या इसकी नोडल एजेंसी है इसको कार्यान्वित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित नहीं है? हमें जब हिंदी में ही लिखना है तो इसको हम थोड़ा हिंदी में कर लेते हैं जिससे थोड़ा जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा बड़े दिखाई दें। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित नहीं है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। अगला क्वेश्चन है, NAAC का मुख्यालय कहाँ है? NAAC, ठीक है, NAAC NAC, ये जो आपका रेटिंग से या देने का काम करता है विश्वविद्यालय को, तो NAAC का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर दिया गया है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इनमें से आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि यही क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे नहीं, लेकिन जैसे NAAC के बारे में और पूछ सकता है कि यह किस प्रकार का निकाय है, यानी कि वैधानिक, नियामक या गैर संवैधानिक या एग्जीक्यूटिव, किस तरह की बॉडी है ये, इसके इसकी स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जो है वह 1956 में यह अधिनियम आया था। हालांकि ये सारी क्लासेस भी मैं करवाऊँगा, आप लोग टेंशन ना लें, जल्दी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। DLED पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? DLED, तो DLED की पाठ्यक्रम की अवधि आपकी 6 माह, 1 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष। तो DLED के पाठ्यक्रम की जो अभी नई अवधि आ गई है वह 2 वर्ष की हो गई, जब से BEd आपका 4 साल का हो गया है। अगला है, विधि महाविद्यालयों में प्रवेश के नियम कौन बनाता है? विधि महाविद्यालयों में यानी कि जो आपके लॉ के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो एडमिशन होते हैं उसके लिए रूल्स कौन बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार। तो जितने भी विधि महाविद्यालय हैं वो चाहे प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, सभी में जो नियम होंगे लॉ स्टूडेंट्स के लिए वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? विश्वविद्यालय यानी कि UGC का ध्येय वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, तो जो UGC का ध्येय वाक्य है वह ज्ञान विज्ञान विमुक्तय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी था, तो यह एक और दो ऑप्शन तो 100% हो गए। गुरु घासीदास, इसका आपका क्लियर नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता। यदि आपको दो में कन्फ्यूजन है यहाँ पर तो आप बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल लगाएंगे और यह है भी नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य प्रायोजित योजना, विश्व बैंक प्रायोजित योजना या इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या रूसा है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे अभी हाल ही में 2026 तक के लिए बढ़ा भी दिया गया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक के लिए रूसा को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या जिनेवा। तो जो यूनेस्को का मुख्यालय है वह है पेरिस में स्थित है, आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों से बचाने के लिए असली दोस्त #, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? स्टे सेफ, यह आपका जो क्वेश्चन है यह है आपका करेंट अफेयर्स या समसामयिकी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो यह जो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान था यह यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग किससे संबंधित है? कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग,
पारंपरिक शिक्षा, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है आपकी दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा यानी कि ODL से संबंधित है, डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, अगला प्रश्न है इनफिल बनेट क्या है? गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद की संस्था या UGC का स्वशासी अंतर विश्वविद्यालयीन केंद्र या शोध संस्थान राष्ट्रीय प्रयोगशाला? तो यहाँ पर जो इनफिल बनेट है वह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वशासी अंतर विश्वविद्यालयीन केंद्र है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन जो है उसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? यहाँ पर 8 राइट आंसर होगा, 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन की। अगला प्रश्न है स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार वर्ष 2016-17 के लिए कितने प्राचार्यों को दिया गया? तो स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार इनमें से किसी को भी नहीं दिया गया, यानी कि किसी को भी नहीं दिया गया था। यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि जो आपका स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में, और किसे प्राचार्यों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2017-18 के अनुसार प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर 2017-18 के अनुसार यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 469। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान सभापति यानी कि आप कह सकते हैं हेड कह सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर उस टाइम पर 2017-18 में डॉक्टर DP सिंह थे। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से कौन से पाठ्यक्रमों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है? AICTE के द्वारा कौन से पाठ्यक्रम का अनुमोदन आवश्यक नहीं है? BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या BA बैचलर ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर जो जितने भी तकनीकी या व्यावसायिक आपके पाठ्यक्रम संचालित होते हैं वह AICTE के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, जबकि जितने भी गैर तकनीकी या अन्य प्रकार के कोर्स होते हैं वह UGC के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो तीन कोर्स हैं यह किसके AICTE के द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे, जबकि आपकी जो BA है वह किसके द्वारा UGC के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगला है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अध्यक्ष का नाम क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अध्यक्ष यहाँ पर उस टाइम पर कौन थे? डॉक्टर जयश्री मेहता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के सभापति अनीता करवाल जी थी उस टाइम पर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्तमान महानिदेशक उस टाइम पर तत्कालीन महानिदेशक थे डॉक्टर नवीन चंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि 2017-18 में जब ये एग्ज़ाम हो रहा था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर आपके मनन कुमार मिश्रा जी थे। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अभी मुझे ये सारे वर्तमान अध्यक्ष भी याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। हालांकि आगे की जब मैं आपको क्लासेस बताऊंगा तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताता चलूंगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सूचना केंद्र का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय सूचना केंद्र जो आपका NIC है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, तो इसका जो गठन था वह 1976 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर उस टाइम पर थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वह है शिक्षा एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए, मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता की वैश्विक सहमति, या आणविक अस्त्रों का विस्तार करने के लिए। तो यह जो आपका राइट आंसर डी होगा, यहाँ पर आपको स्पष्ट क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा कि कितने हैं। तो हमारे 45 क्वेश्चंस हो चुके हैं, हम आज 5 क्वेश्चंस और करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मध्य प्रदेश में अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या क्या है? ठीक है, यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अशासकीय महाविद्यालय कॉलेज हैं
वह मध्य प्रदेश में 2017-18 में 75 थे। मध्य प्रदेश में 2015-16 में सकल पंजीयन अनुपात कितना था? 19.6 था। जो ये सारे डेटा हैं, यह डेटा ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं उन पर अपडेट तो किया जाता है, लेकिन काफ़ी समय के बाद अपडेट किया जाता है। तो इसलिए जो आपका राइट डेटा है, वो उसे ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अभी 2 महीने का पूरा पूरा समय है आपके पास, और यहाँ पर भी जो आपके एग्ज़ाम आपकी जो 25 सितंबर की है, उसके भी होने के चांसेस सिर्फ आपके 50% ही हैं 25 सितंबर को। क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित चल रहा है, और वह आरक्षण मामले के बाद ही यहाँ पर बाकी की प्रक्रिया हो पाएगी। विज्ञापन में भी लिखा हुआ है कि जो अंतिम चयन होगा, अंतिम जो परिणाम आएगा, वह कोर्ट के डिसीजन के बाद ही आएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 25 सितंबर को हो ही जाएगी। हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक भी ये एग्ज़ाम चला जाए, तब तक में एग्ज़ाम हो। तो आप लोगों को हालांकि अभी 2 महीने के हिसाब से तैयारी करनी है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पिछली बार आप देख सकते थे कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज था और कुछ और एग्ज़ाम थे, जिनके एडमिट कार्ड आने के बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए, और फिर वह जो अप्रैल में होने वाले थे, अप्रैल मई में, उनको किया गया आपके जुलाई में, ठीक है, यानी कि 2 महीने के बाद। तो इस तरह से भी अभी कई अनियमितताएं हैं, जब तक कोर्ट का केस नहीं सॉल्व हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग अपनी तैयारी तो करेंगे ही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का दायित्व नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो हमारा है, उसमें से इसमें से उसका कौन सा कार्य नहीं है? वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करना। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की वर्तमान परिस्थिति क्या है? यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग किस तरह का निकाय है? गैर संवैधानिक, सॉरी गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आपका 51 वाला था। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो आपके 30 मिनट प्लस हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और आपके जो फीडबैक होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे के पार्ट भी लाऊँगा। तो अगले 3 वीडियो और आएंगे प्रीवियस ईयर के, पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों के, और सारे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही। और फिर उसके बाद हम, यानी कि मंडे से हो सकेगा तो, क्लास अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।